मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण हेतु वेबसाइट पोर्टल का शुभारंभ तथा आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत 23 लाख निर्माण श्रमिकों को 1000 का हितलाभ के तहत 230 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ श्रमिकों से वर्चुअल संवाद भी किया तथा उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम विभाग के तहत मिलने वाली सुविधाओं से श्रमिकों को अवगत करवाया। वहीं 1000 का सरकार का लाभ मिलने पर श्रमिकों ने योगी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से श्रमिकों के खाते में 1000 रुपए भेजा गया है। उन्होंने कहा, जनपद के श्रमिकों को भी इसका लाभ मिला है। सरकार श्रमिकों को भत्ता के साथ रोजगार भी मुहैया करा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। इस अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, पिपराइश विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित कामगार श्रमिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लाभार्थी श्रमिकों एवं सदर सांसद रवि किशन ने कहा, स्वामी प्रसाद जी इधर आ जाइए। कहाँ काम करते हैं आप? ये राजाजीपुरम में। ठीक है, बहुत शुक्र। पैसा आपके खाते में जा रहा है, ठीक है ना? और भी सुविधाएं मिली हैं श्रम विभाग की, हैं? बहुत सुंदर, बधाई आपको। पकड़ लीजिए। आओ जी, आप क्या कर रहे हैं? लकड़ी काम। बहुत सुंदर। ये पैसा आपके खाते में जा रहा है, राशन कार्ड है ना? जी सर। ठीक है, और क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? अभी तो सर कुछ नहीं है। नहीं, इससे पहले किसी अन्य चीज में भी आपको कोई वो मिला है? वो राशन मिलता था। हाँ, और वो खेती वाला पैसा मिलता था। ठीक है, खेती बाड़ी है। जी सर। बहुत सुंदर, बधाई। पकड़ लीजिए। मोहम्मद शरीक। आओ जी, ये भी रजिस्टर्ड हुए हैं, हैं? क्या कर रहे हैं आप? बधाई। जी जी, पकड़ लीजिए। अगले लाभार्थी श्री राम जीवन। राम जीवन जी कौन है? आप क्या कर रहे हैं? क्या है? ठीक है, रजिस्टर्ड का रजिस्ट्रेशन कब कराया? 10 महीने। ठीक है, ये पैसा आपके खाते में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बधाई। पकड़ लीजिए। आओ जी, क्या कर रहे हैं आप? हमारा इलेक्ट्रिक वर्क। बहुत सुंदर। ठीक है, लीजिए, बधाई।
चलिए, आपको और आपके जितने श्रमिक बंधु हैं सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। देखिए, छोटे से कार्य से आपको कितना लाभ मिल सकता है इसका उदाहरण है ये छोटे रजिस्ट्रेशन। और इस रजिस्ट्रेशन का लाभ अगर आप उठा लेंगे कितना लाभ आपको प्राप्त होगा आप इसकी कीमत समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आज के इस श्रम और नियम सेवा योजन मंत्रालय के द्वारा, विभाग के द्वारा आयोजित रजिस्टर्ड श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरी जी, प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित कामगार और श्रमिक आयोग के हमारे माननीय सदस्यगण श्री संजय यादव जी, श्री संजय शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त तथा विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव समेत सभी हमारे अधिकारीगण, जिले के प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और उपस्थित सभी श्रमिक बंधुगण, 23 लाख से अधिक श्रमिकों को एक साथ भरण पोषण भत्ता इस कोरोना महामारी में उपलब्ध होने के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, न केवल प्रदेश बल्कि देश और दुनिया वर्तमान में महामारी कोरोना का सामना कर रही है और कोरोना महामारी के खिलाफ हम सब की लड़ाई विगत सवा वर्ष से लगातार चल रही है। बहुत सारे हमारे ऐसे परिचित रहे होंगे जो कोरोना का शिकार हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे परिचित होंगे जिन्होंने अपने परिजनों को, स्वजनों को इस महामारी में खोया होगा। उन सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आप सभी श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से अपने पुरुषार्थ से प्रदेश को जिस आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया है, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा था विगत वर्ष भी
जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में सर्वाधिक प्रभावित तबका था श्रमिक वर्ग, लेकिन जब राज्य के सामने हमने जब भी श्रमिक वर्ग को इसके लिए तैयार होने के लिए कहा तो श्रमिकों ने मजबूती के साथ इस लड़ाई को हमारे साथ मिलकर के लड़ने में प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाने के लिए अपना योगदान दिया और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली लहर में भी देश के अंदर सबसे अच्छी रिकवरी और सबसे कम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद अच्छा परिणाम और प्रदेश की जनता को बचाने में काफी बड़ी हद तक सफल रहा है, एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। लेकिन हर एक व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान दिया है और इसमें श्रमिक बंधुओं के परिश्रम और पुरुषार्थ को भुलाया नहीं जा सकता है। विगत वर्ष हमारे सामने चैलेंज ज्यादा था, 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए, उन 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए हमें उस समय भी व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी और राज्य सरकार ने विभिन्न जनपदों के साथ मिलकर के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो कदम बढ़ाए आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। दुनिया के तमाम संस्थान इस पर शोध कर रहे हैं, उनके प्रकाशन सामने आ रहे हैं कि कैसे सफल मॉडल उत्तर प्रदेश ने प्रथम लहर में प्रवासी कामगार और श्रमिकों के बारे में और उसके तत्काल बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की तो उत्तर प्रदेश ने अपने सभी श्रमिकों के लिए प्रदेश के अंदर भी एक आयोग का गठन करके उनके हितों के संवर्धन के लिए व्यापक कार्य योजना बनाना प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि दूसरी लहर में हम लोगों ने आयोग के साथ संवाद बनाते हुए जो कार्यक्रम बनाए, दूसरी लहर ने प्रदेश को भी देश को भी दुनिया को भी बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन हम लोगों ने एक भी उद्योग बंद नहीं होने दिए, खेतीबाड़ी का काम बंद नहीं होने दिया, कंस्ट्रक्शन का कोई भी कार्य बंद नहीं होने दिया और वहां पे कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बना करके हरेक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य किया और आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि हरेक तबके का व्यक्ति प्रदेश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में चाहे वह उसे ड्राई राशन देने का मामला रहा हो, कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन देने का कार्य हो या फिर उन लोगों तक भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने का कार्य हो, मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन विभाग को। 2017 के बाद से तमाम ऐसी योजनाएं जिनके बारे में विभागीय मंत्री ने अभी आपके सामने बताया कि कैसे कैसे योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल सकता है, चाहे वह उन गरीब श्रमिक बंधुओं की पुत्रियों की सामूहिक विवाह की योजनाओं के माध्यम से सामूहिक विवाह के भव्य आयोजन कर रहा हो। हम लोग इस बात को देखते थे कि जिन श्रमिक बंधुओं के सामान्य घर में सुख में दुख में कोई सहभागी नहीं होता था, उन सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों के कार्ड जिलाधिकारी और मंडलायुक्त बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण वहां पर मेहमानों के स्वागत करने के लिए खड़े हैं, यह स्वाभाविक रूप से एक नया परिवर्तन देखने को मिला होगा और श्रमिकों के जीवन में भी खुशहाली का वह दिन कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिश्रम को फलीभूत होते हुए देखा है कि उनकी कन्याओं की शादी भी किस भव्य तरीके से हो सकता है। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम श्रमिक बंधुओं की कन्याओं की शादी के उन कार्यक्रमों के माध्यम से वो देखा स्पष्ट देखा जा सकता था और सबने उसको महसूस भी किया। ऐसे ही उन कन्याओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था का हो, उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था का हो, उच्च शिक्षा का उच्चतर शिक्षा का हर एक स्तर पर सपोर्ट करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराई,
उन्हें सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी और स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का भी कार्य प्रारंभ किया। और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया कि प्रदेश के अंदर चाहे वह संगठित क्षेत्र के हों असंगठित क्षेत्र के हों जितने भी कामगार और श्रमिक होंगे इन सबको हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। किसी भी श्रमिक के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है हम इन सब का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ अगर किसी के साथ दुर्भाग्य से कोई घटना दुर्घटना घटित होती है तो श्रमिक के परिवार को 2 लाख रुपए की हम राशि इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और यह प्रदेश के अंदर हम लोग लागू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति हमने प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य बीमा कवर का किया है। हर एक श्रमिक को वह संगठित क्षेत्र का हो असंगठित क्षेत्र का हो वह सामान्य कामगार हो या फिर कहीं भी वह एक्सप्रेसवे पे काम कर रहा हो गृह निर्माण के कार्य में लगा हुआ है या भी कहीं सरकारी में निजी क्षेत्र में कहीं भी काम कर रहा है हर एक को हमने कहा इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही उसे 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी राज्य सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है उसको दे रही है। ऐसे ही राशन कार्ड की व्यवस्था अब याद करिए 2017 के पहले क्या व्यवस्था थी राशन कार्ड बनता नहीं था। एक परिवार में जो सत्ताधारी दल से जुड़ा होता था उस परिवार में राशन की व्यवस्था के लिए वहां पर एक ही परिवार में 5 लोग हैं और सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ तो उसमें 25 राशन कार्ड उनके होते थे और किसी गरीब के किसी मजदूर के और किसी गरीब और किसी मजदूर के राशन कार्ड नहीं बनते थे। हमने अभियान चलाया हर एक गरीब का राशन कार्ड बनवाया और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान ही यह व्यवस्था भी दी कि कोई भी कामगार और श्रमिक होगा राशन कार्ड हो ना हो हम उसको पहले 15 दिन का राशन देंगे इन 15 दिनों में उसके लिए राशन कार्ड बनाएंगे और इन 15 दिनों के अंदर राशन कार्ड बनाने के साथ साथ उसको राशन उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे और राशन को नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जोड़ेंगे। अगर वह श्रमिक कल उत्तर प्रदेश की बजाय महाराष्ट्र में काम करना चाहता है तो उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड से वो महाराष्ट्र में भी खाद्यान्न ले सकता है गुजरात में भी ले सकता है पंजाब में भी ले सकता है कहीं भी उसको राशन की सुविधा का लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर उन चुनिंदा राज्यों में है जिन्होंने ये व्यवस्था राज्य के अंदर लागू की। यह एक व्यवस्था श्रमिकों के हितों के लिए हर एक स्तर पर नई नई योजनाओं को लागू करना यह उसी का परिणाम है। और इस बार भी जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर के दौरान हम लोगों ने कोई उद्योग बंद नहीं होने दिए। प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें चलाई गई। प्रदेश के अंदर जितने भी लघु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम थे बड़े उद्योग थे हमने सब कुछ पूरी तरह चलाने की छूट दी। शर्तें थी वहां पे कोविड हेल्प डेस्क बनेगा कोविड केयर सेंटर बनेगा वहां पर हम लोग हर प्रकार की सुविधाएं देंगे और श्रमिकों के आने जाने के लिए भी उनको उस प्रकार का माहौल देने का कार्य करेंगे और यह कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया। हम लोगों ने उद्योग भी चलाए खेती बाड़ी के सामान्य कार्य को भी कराया लेकिन साथ साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की कि कोई भी यानी कोरोना के संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर हम रोक सकें। और उत्तर प्रदेश का यह मॉडल देश के अंदर हिट रहा और देश ने इसको हाथों हाथ लिया। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान कई नए कार्य किए जिसको अलग अलग स्तर पर मान्यता मिली कहीं WHO से मिली कहीं पर नीति आयोग ने उस उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना की कहीं पर तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के कार्यों को भी पूरी तरीके से वो किया। जो आशंकाएं थी कोरोना के दौरान कि उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब होगी उत्तर प्रदेश आज जितने पॉजिटिव केस उत्तर पूर्व कुछ एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय केस उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे कोरोना के हैं देश के आधी आबादी के राज्यों में उतने प्रतिदिन आ रहे हैं यानी उत्तर प्रदेश का मॉडल हर एक स्तर पर उत्तर प्रदेश से 1/10 के राज्यों में आबादी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश अपने इस मॉडल के साथ
अपने किसान बंधुओं का, श्रमिक बंधुओं का, अपने युवाओं का, समाज के उन सभी कामगारों का, सभी लोगों के हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित है। और आज का ये भरण पोषण भत्ता का एक कार्यक्रम इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए जो हमारे विभागीय मंत्री के साथ साथ अन्य विभागों ने जो कार्य किया है, जो हम लोगों ने कामगार और श्रमिक आयोग गठित किया था, वित्त मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, श्रम और सेवायोजन मंत्री, विभाग के पंचायती राज के मंत्री, ग्राम्य विकास के मंत्री, अन्य तमाम अन्य विभागों के मंत्रियों ने भी इसमें अपना योगदान किया, जनप्रतिनिधियों ने अपना योगदान किया। और आज इसका परिणाम है कि प्रत्येक जनपद में जनप्रतिनिधिगण भी इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनकर के इस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जिन 23,20,000 से अधिक श्रमिक बंधुओं को ये भरण पोषण भत्ता का लाभ मिल रहा है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन साथ साथ आप सबसे मेरी अपील होगी कि कोरोना के संक्रमण को हम लोगों ने कमजोर जरूर किया है, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर ब्रेक करने के लिए आवश्यक है कि अभी सतर्क और सावधानी हम जरूर रखें। मास्क, किसी भी कहीं भी जाना हो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन हम जरूर करें, किसी भी वस्तु को छूते हैं तो हाथ पानी से, साबुन से साफ करने या सैनिटाइजर से साफ करने की हम व्यवस्था जरूर करें। जो भी COVID-19 से जुड़े हुए, कोरोना से जुड़े हुए प्रोटोकॉल हैं, उसके नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का हम जरूर पालन करें, क्योंकि कोविड का संक्रमण कमजोर जरूर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। और इसलिए किसी भी स्तर पर हम कोरोना को फिर से आने के लिए कोई भी अवसर न दें, ये हर एक की जिम्मेदारी बनती है। और खास तौर पर मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधिगण, हमारे जो श्रमिक बंधुगण हैं, ये सभी लोग स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ बैठ करके एक कार्य योजना तैयार करेंगे और इसको प्रभावी ढंग से आगे भी लागू करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति हृदय से अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपका जीवन कुशल रहे, मंगलमय रहे और ये इस योजना का लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रमेश, योजना दिए हैं, 1,000 रुपया मिला है हम लोगों को। हाँ, 1,000 रुपया मिला है। इससे पहले इसका लाभ मिला नहीं? कितने दिन हो गया पंजीकरण का इसको? हमको 4-5 महीने हो गया था। पहली बार मिला लाभ? हाँ, पहली बार। कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ वो तो दे दिए, हमारे स्वभाव की बात है, बहुत बढ़िया है मुख्यमंत्री जी। कहाँ कराने वाले? हम लोग फटलाई के पास, 3 ही गाँव है। मुख्यमंत्री जी ने आपको 1,000 रुपये क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहते हैं सर, कोई काम धंधा नहीं है, पहली बार 5-6 महीने के बाद मिला है पहली बार। कितना दिन हो गया रजिस्ट्रेशन करा? क्या बोले? रजिस्ट्रेशन करा कितना दिन हो गया? 5-6 महीना हो गया। पहली बार मिला? पहली बार। कहाँ कराने वाले हैं? तीनों फिर फटराजे के द्वारा। आज श्रमिकों को पूरे प्रदेश में 1,000 रुपया उनके खाते में गया और हर महीने उनको मिलेगा। इतना बड़े रोजगार की ये मुहिम पूरे प्रदेश में चलाएगी, उसमें गोरखपुर के भी आज हमारे देवतुल जनता को भी, जो गरीब हैं, जो श्रमिक हैं, जो कोरोना काल में जिनके पास पैसे का अभाव था, रोजगार का अभाव था, तो आज मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा काम किया और एक बहुत अच्छा संदेशा समस्त श्रमिक भाइयों बहनों में गया पूरे प्रदेश में। मैं सांसद रवि किशन शुक्ल अपने मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उस सारे श्रमिक भाई बहनों को कि अब उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका सहारा राज्य सरकार है, पूज्य महाराज जी हैं और पूरी तरह से सरकार अब उनका ख्याल रखेगी। तो सारे श्रमिक भाई बहनों को जो अब रोज़गार के लिए प्रदेश चले जाते थे, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, राज्य सरकार स्वयं उनके लिए रोज़गार और महीने का ये 1,000 रुपये का भत्ता जो शुरू किया है, एक बहुत सुंदर पहल है। मैं पूज्य महाराज जी को बहुत सारा साधुवाद देता हूँ।